अपनी दादी का फोन है। दादी रेवती जी का? दादी 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 आप कहाँ पे हो? हेलो दादी, दादी आवाज आ रही है? हेलो, अरे फोन स्पीकर पर रखो। हेलो, कहाँ पे हो दादी आप? हाँ अग्नि बिटिया, हम ना हमारा मोहल्ला के सहेली के साथ ना यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए हैं। क्या क्या तीर्थ यात्रा? दादी लेकिन आपने बताया मतलब आप देवी बिटिया को कहना कि हम नाराज नहीं है, खड़बड़ाहट में चले आए तो बता नहीं पाए, माफ कर देना है, हम जल्द ही लौट आएंगे। दादी तो आप बताना तो चाहिए था ना, हम लोग कितने परेशान थे। हम लोग का है ना इतना अड़चन आ रहा था तो हमको लगा कि हम यहाँ थोड़ा आएंगे तो मन को शांति मिल जाएगा है? तुम घबराना मत, चिंता मत करना, हम जल्द लौट आएंगे, बाद में बात करते हैं। एक मिनट एक सेकंड। हेलो तीर्थ यात्रा अचानक से बिना बताए, हमें बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है और बहुत उल्टे सीधे, आई डोंट नो, कुछ गड़बड़ है ऐसे दादी, अचानक से एकदम से। दादी हमको बिना बताए कहीं नहीं जा सकते। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं माना वो हमसे नाराज है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ बताएंगे नहीं, बिना बताए चली जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं अपनी दादी को। दादी मोहल्ले की किन सहेलियों की बात कर रही थी जबकि वहां उनकी किसी से कोई खास बातचीत ही नहीं है, तो कैसे उनके साथ ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा सकती हैं? कुछ तो बात है, कुछ और बात है किशन, हमें पता नहीं। मेरा भी मन नहीं मान रहा। नहीं बहुत बढ़िया एक्टिंग कर लेती हो। अब एक बात और कहनी है आपको कि अब आप हमसे कुछ मत कहना बस। अब आपका बंदोबस्त भी तो करना है, कुछ पानी वानी, कुछ खाना पीना हो तो कोई स्पेशल फरमाइश हो तो बता दीजिए, हम पहुंचा देते हैं। अब जा रहे हैं तुम्हारा इलाज करने। जब हम और दादी साथ थे, दादी कभी बिना बताए कहीं नहीं गई, पर जब से ये अग्नि आई है, अपने साथ मुसीबत और टेंशन का टुकड़ा साथ लेकर आई है। फोन घुमाते हैं। हेलो, हाँ टोनी हमारी बात सुन, तू जाके वहाँ दादी को ढूंढ। कहाँ पे ढूंढेगा? मंगला गौरी मंदिर के पास और जानकी मंदिर में। हाँ दादी वहीं कहीं होगी, हम जानते हैं ना, वाह दादी इन दोनों मंदिर में बहुत आस्था रखती है। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? हम जानते हैं ये दोनों मंदिर एक दूसरे से बहुत दूर है इसलिए नहीं जाना चाहते ना, लेकिन हम कह रहे हैं तो तुमको जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, तो जाओ फूटो। वाह क्या बात है, दादी बोल के गई हैं कि वो तीरथ पे गई हैं लेकिन हमारी जासूसी बहन को उन पे भी भरोसा नहीं है। तुमने ना सबके ना नाक में दम करके रखा है, तुमसे ही तंग हो के दादी चली गई है, पता है तुम्हें? तुम्हारे जैसे नहीं है हम, बहुत प्यार करते हैं दादी से, बहुत प्यार करते हैं इसलिए टेंशन के मारे मरे जा रहे हैं। इतनी परवाह होती ना दादी की तुम्हें तो तुम उनका दिल नहीं दुखाती, तभी उन्हें धोखा दिया तुमने। अरे धोखा धोखा धोखा, हम थक गए हैं तुम्हारा धोखा धोखा सुनकर, तुम्हारी धोखा चालीसा सुनकर, चुप करो। तुम्हें याद भी है कि दादी को कितनी तकलीफ हुई है तुम्हारी इस करतूत से? अगर तुम्हें सचमुच चिंता है ना दादी की तो छोड़ दो किशन को, और ये वचन क्या कहा तुमने? अगर तुम्हें सचमुच चिंता है ना दादी की तो छोड़ दो हमारे किशन को। छोड़ दिया, ये तुम्हारे लिए है,
हमारे लिए नहीं, तुम बोलोगी आगे जाके लो छोड़ दिया। भूल जाओ ये परीक्षा, ये कुत्ते बिल्ली का खेल, और वापस कर दो हमें ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर। एक, दो, तीन। हम तो भूल ही गए थे कि इसके बिना तो तुम्हारी रात क्या और दिन क्या है। अब देखो, तुम्हारे लिए देसी घी के परौंठे लेके आए हैं। देखिए क्या खुशबू है, मेथी के देसी घी के परौंठे। इसे खाइए और ताकत बनाइए। लो, हमारा हाथ खोल दो, हम अपना हाथ उसे खाएंगे। चाची जी, ये तमन्ना हम तुम्हारी पूरी नहीं कर सकते हैं। हमको क्या बेवकूफ समझे हो? चुपचाप से खा लीजिए। अरे मानते हैं बुढ़िया, बहुत मजबूत हड्डी हो तुम। हाँ, वैसा ही खून दौड़ रहा है तुम्हारी पोतियों के रगों में, बहुत होशियारी दिखा रही। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? एक किशन को मार के तो हम कभी भी एक्सीडेंट दिखा देंगे, लेकिन हमारा खोपड़ी में ये नहीं आ रहा कि तुमको मार के हम क्या बताएंगे। तो इसलिए चुपचाप से मुंह खोला। स्वाद है? अरे बोलो। हमें मन मार के खाना ही पड़ेगा ताकि हम यहाँ से भागने के लिए ताकत जुटा सके। बस हमें यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना होगा। हाँ, खाओ। बस बेटा, बहुत हो गया, अब जाओ, जाके सो जाओ। और हाँ, रेवती चाची के बारे में सोचना मत कि पूरी रात तुम्हें नींद ना आए, ठीक है? जी। चलिए, अब सो चलिए। चाचा जी इतनी रात को, फिर कल रात को भी देर से आए और आज भी, और उनके हाथ में क्या है? ये तो होना ही था, है ना? फाइनली हम दोनों एक हो गए। तुम्हें पता है अग्नि, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था? पता भी है तुम्हें? मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं कि मैं तुम्हें कितना 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 ज्यादा खुश हूं।
I'm just so happy. Just so happy. हमें तो लगा था कि आप बहुत नाराज होंगे. कल तो गुस्से से बहुत तप रहे थे, तो हमें लगा कि आपका गुस्सा 3-4 दिन तक रहे, लेकिन आप तो सब भूल गए. चिढ़ा हुआ था मैं, लेकिन तुम पे नहीं, साक्षी पे. लगता है किसी ने हमें दिल से याद किया है. इस इलेक्ट्रिक प्लग को जैसे ही कोई लगाएगा, फिर ध्वनि मशीन चलाने वाले इंसान का वो हश्र होगा कि फिर वो सोच भी नहीं पाएगा, बचने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, सीधे परलोक सिधार जाएगा. लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान दीजिए, जब भी इस मशीन को छूना हो तो रबड़ का चप्पल पहनकर ही छुइएगा, नहीं तो करंट किसी को नहीं पहचानता है. बहुत बढ़िया कारीगरी की है और टैलेंट का कदर करते हैं हम, इसलिए तुम्हारा मेहनताना भी पकड़ो. हिलाओ हमको दो, रखो और इसको ठाकुर विला में जल्दी से जल्दी पहुंचा दो. और एक बात और सुन लो, इस बात का कानो कान किसी को खबर ना हो. क्या बात कर रहे हैं भैया जी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. शाबाश, जा अच्छे बच्चे की जैसे जाओ. शाबाश बेटा, राम राम भैया जी, ये ले जाओ. सुना बुढ़िया तुमने, हमने एक बहुत बढ़िया खेल खेला है, एक मशीन बनवाया तंगूस का. वो क्या बोल रहा था, धोनी जिसको प्लग में डालेगा किशन और खट से झटके से उसके प्राण निकल जाए, किशन स्वर्गवासी हो जाएगा. सुन रही हो, अरे बुढ़िया मर तो नहीं गई. जिंदा है. देखो देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा, इस उम्र में इतना कष्ट सह नहीं पाती ना तुम. हम तुम्हारा कष्ट दूर तो कर देते, पर क्या है कि हमको तुमको मारने की अभी जल्दी नहीं है. हम जा तो रहे हैं, लेकिन पीछे से मर मत जाना, क्योंकि वापस आएंगे हम और किशन की मौत का खबर सुनाएंगे तुमको. हे भगवान, ये निर्दय बिजली का झटका देगा किसन बबुआ को.
खामोश। ये हमारी रूही कैसे कम हुई? क्या? और ये तुमने चीटिंग की ना साक्षी, तुमने वापस से चीटिंग की। देखो किशन, इसने हमारी रूही ले ली। देखो हमारी रूही कितनी कम है और उसकी देखो कितनी ज्यादा है। तो बड़ी माँ छोटी माँ केडी, हम ये कपड़ों का, पुराने कपड़ों का गट्ठर ऊपर से ले आए, क्योंकि इसमें से वैसे भी कोई कुछ पहनता तो है नहीं। तुम ये कपड़ों का क्या करोगी? बहुत सवाल पूछती हो। हाँ तो हमको ये देखकर बताओ कि इनका दाम कितना हुआ, इन पुराने कपड़ों का। जी मैम साहब, इसके 4 कटोरी और 2 डोंगे ही आए। अच्छा हमको ये बताओ, 4 कटोरी और 2 डोंगे का दाम कितना हुआ? जी मैम साहब, 400 रुपए। हाँ तो हमें आपको पूरे पैसे कितने देने हैं? 500। 400 रुपए आप कपड़ों के काट लो, अब बचे कितने? 100 रुपए। एक मिनट। हिलो भैया, 100 रुपए। जी मैम साहब। हो गया हिसाब बराबर? जी जी मैम साहब। हमारा गणित बहुत अच्छा है बचपन से ही। चलो राशन वाला आ गया है तो उसका हिसाब अब तुम कर दो। जी संजय का सच्चाई जो है वो सारा घर वालों को बताना पड़ेगा, कि इससे पहले कि सब बेटा का जान बचाना है। अच्छा हाँ किशन, इसको हाँ बस ऐसे एग्जैक्टली ओके। क्या वो ये चल नहीं रहा? मतलब मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? I'm sorry. वो आपको प्लग लगाना पड़ेगा ना किशन? Oh yeah, the plug. Yeah. हाँ प्लग लग। ये लाइट कैसे चला गया? अरे लाइट को भी अभी जाना था। मैंने कुछ नहीं किया इस बार, लेकिन अगर लाइट्स ऑफ हुई है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इन्वर्टर तो कनेक्टेड होता है तो। हाँ कुछ समझ में नहीं आया। मेन स्विच, एक सेकंड, इसका मतलब मेन स्विच ऑफ हो गया? पर मेन स्विच कौन ऑफ कर सकता है? मैं चेक कर गया था।
ठीक है? अरे रुको, तुम यहीं रुको, ट्रिप हो गया होगा उधर से, हम जाके ठीक कर देते हैं उसको। तुम अभी अग्नि के पास में ही रहना, हम लाइट आ जाए तो हमको आवाज दे देना, ठीक है? ठीक है, हम करते हैं। बिना बिजली के काम कैसे करें? अरे किशन, हमसे मरे ना, मरे जरूर मरेगी। छोड़ मेरे हाथ को। नहीं करना देंगे तुमको। अरे छोड़ मेरे हाथ। अरे चाचा जी, अब बिजली नहीं आई है अभी तक। हम जरा देख कर आते हैं क्या कर रहे हैं। ना होशियारी मत दिखाना वरना जान से मार देंगे। नहीं, हम नहीं करने देंगे। चाचा जी, ये सब इस बुढ़िया की वजह से हुआ। अच्छा बच्चियों, काम पे लग जाओ, लेकिन वक्त कम है इसलिए दोनों दो दो रजाइयां बनाओगी, ठीक है? साक्षी बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी गुमसुम उदास क्यों हो? बड़ी माँ, ये लॉकेट, ये लॉकेट हमेशा हमारी दादी के गले में रहता है। दादी का? और हमको ये पार्किंग लॉट में मिला। हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि वहां कैसे पहुंच गए। ये तो बहुत ही कॉमन डिजाइन है, ये लॉकेट तो किसी का भी हो सकता है, किसी के भी गले से निकल के गिर सकता है। तुम इस लॉकेट पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो, तुम इस प्रतियोगिता पे ध्यान दो। तुम्हें ये राउंड भी जीतना है ना। चलो बैठ जाओ। फटाफट अच्छे से डालो, आराम से, प्यार से। अरे वाह, अग्नि की तो एक रजाई तैयार भी हो गई। लगता है इस बार साक्षी पिछड़ जाएगी। जल्दी 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 लड्डू, हाँ, काम पे लग जा। हाँ जल्दी जल्दी, हो गया हो गया हो गया, बस 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 बस। अब तुम दोनों मुंह लटकाए मत बैठी रहो, चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करो। अरे साक्षी दीदी, जल्दी आओ और आ जाइए। देखो देखो, ये इंतजाम करना पड़ रहा हमको तुम्हारे लिए, बहुत भागना आता है तुमको। चलो, तुम चाहे जितना कोशिश कर लो हमको रोकने का, हम आखिरी सांस तक जो है हमारे दामाद को बचाने का कोशिश। बुढ़िया, अपना ताकत और अपना जबान संभाल के रखो, एक मिनट नहीं लगेगा तुमको यहाँ पर मारने में हमको, पर नहीं मारेंगे, थोड़ी देर जिंदा रखना है तुमको। अब हमको घर जाकर ये भी देखना है किसी को हम पर शक तो नहीं हुआ। मुझे
रैया बन गई है, टास्क खत्म। चलो टास्क तो खत्म हुआ। साक्षी बेटा और अग्नि बेटा, दोनों अपने बटुए लेके आओ ताकि हम भी देखें दोनों में से किसके ज्यादा पैसे बचे। हम अभी लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले ये रुई रुई से हमारा गला ऐसे खराब सा हो गया, एलर्जी हो गई, हम पानी पीकर आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, पी लो। बहुत प्यास लग रही है, मेहनत लगी। साक्षी ने ज्यादा पैसे सेव किए हैं, तुमने धोखे से हमारा प्यार छीनने की कोशिश की। हम धोखे से ये राउंड जीतेंगे, क्योंकि कहते हैं प्यार और वार में सब जायज होता है। केडी हम अभी लेकर आते हैं, लाओ लाओ जल्दी लाओ। इसने कितने जीतना तो हमको ही। बताओ कितने पैसे बचे। हमको समझ नहीं आ रहा है। अग्नि बेटा दिखा। ₹100। ये क्या, अग्नि के पर्स में 100 रुपए और साक्षी के पर्स में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे।